आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भारत के न्यू चीफ जस्टिस के बारे में। भारत के न्यू चीफ जस्टिस है यूयू ललित जी, जिनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित जी। इससे पहले आरवी रमन्ना जी हमारे भारत के चीफ जस्टिस थे। इन्होंने फ्राइडे को अपना कार्यकाल खत्म किया है और सैटरडे को उदय उमेश ललित जी ने अपना शपथ ग्रहण किया था। ये भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1954 में हुआ था। इन्होंने अपना पहला एडवोकेसी का प्रैक्टिस बॉम्बे से किया था दिल्ली जाने से पहले। दिल्ली जाने के बाद 2004 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बना दिया गया था और देखते ही देखते कुछ ही सालों में इन्हें एज अ जज अपॉइंट कर लिया गया। ये भारत के दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिन्हें डायरेक्टली भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया है। पहले थे एस एम सिकरी जी। इनका कार्यकाल केवल 74 डेज का है और ये भारत के 6 नंबर के CJI हैं जिनका कार्यकाल 100 दिनों से भी कम है। इन्होंने अपने कार्यों में से 3 कार्यों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और जो कार्य इन्होंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डाली है उसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।